बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो उन मुलाज़मीन के लिए ख़ास होने वाली है जो रिटायरमेंट की एज के करीब पहुंच चुके हैं, यानी 60 साल की एज के करीब पहुंच चुके हैं, या दूसरे जो लोग वॉलंटरली रिटायरमेंट लेना चाह रहे होते हैं, ये उन लोगों के लिए ख़ास होने वाली है। क्योंकि रिटायरमेंट के मौका पर जो सबसे अहम जो परेशानी लाहक होती है एक रिटायर होने वाले मुलाजिम को, वो ये जानना चाहता है कि मुझे पेंशन माहाना कितनी मिलेगी या मेरी ग्रेजुएटी वगैरह जो है ना वो कितने मिलेगी। तो इस वीडियो में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है कि चूँकि आजकल ये रिवाज चल पड़ा है या कुछ लोगों को ये मालूम होता जा रहा है कि फुल पेंशन जो है ना वो एक मुलाजिम ले सकता है। तो बिल्कुल एक मुलाजिम जो है ना वो फुल पेंशन ले सकता है, यानी अपनी पेंशन वो अगर कम्यूट न कराना चाहे और कम्यूटेशन के बग़ैर भी वो पेंशन ले सकता है, जिसको फुल पेंशन कहा जाता है। तो उस सूरत में उसको ग्रेजुएटी जो मिलती है, यानी एक मुलाजिम एक मखसूस हिस्सा जो है ना 35% वो गवर्नमेंट को एक मखसूस अरसा के लिए बेच देता है, और उसके वजह से एक लमसम अमाउंट मिलती है जिसको ग्रेजुएटी कहा जाता है। फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम है जो 60 साल की उम्र पे रिटायर है, तो वो 12 साल के लिए अपनी पेंशन जो है ना वो गवर्नमेंट को बेच कर एक लमसम अमाउंट हासिल कर लेगा, जिसको ग्रेजुएटी कहा जाता है। तो अगर वो ये कम्यूट ना कराए और ग्रेजुएटी ना ले, तो फिर फुल पेंशन कितनी बनेगी उसकी? और अगर एक मुलाजिम कम्यूट करा ले पेंशन, तो फिर पेंशन कितनी बनेगी? और दोनों सूरतों में किस सूरत में फ़ायदा है और किस सूरत में नुकसान है? लेकिन आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक मुलाजिम है जिसकी कम्यूटेशन कराने के बाद ग्रेजुएटी बनती है तकरीबन 4,49,000, 4.5 लाख के करीब उसकी ग्रेजुएटी बनती है। ग्रेड 11 का ये मुलाजिम है जिसकी ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के वक्त 4.5 लाख के करीब बनती है। और अगर ये 4.5 लाख ना ले, तो फिर इसकी पेंशन कितनी बनेगी? और अगर ये 4.5 लाख ले रहा है, तो फिर इसको नुकसान कितना होगा? वो नुकसान जो है ना तकरीबन इसको 14,80,000 के करीब होगा, जो ये रकम गवर्नमेंट को छोड़ देगा। यानी ये ले सकता है इन 12 साल के अरसे के दौरान, लेकिन उसने तरजीह दी 4,49,000 4.5 लाख लेने को, और इसके बदले में उसने 14,80,000 के करीब जो है ना एक फाइनेंशियल लॉस जो है ना वो बर्दाश्त करना पसंद किया, लेकिन उसने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 4,49,000 रुपए लेना पसंद किया। तो देखते हैं कि ये कैसे जो है ना होता है, कैलकुलेशन कैसे होती है, और किस चीज़ को तरजीह देना चाहिए रिटायरमेंट के वक्त के पेंशन एक मुलाजिम कम्यूट कराए या ना कराए। ये उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं। अगर तो उसको फिल फौर ज़रूरत हो पैसे की, यानी फ़र्ज़ किया किसी ने मकान बनाना होता है, कोई बेटी की शादी होती है, बेटों की शादी करनी होती है, यदि अगर कोई और ज़रूरियात होती है फौरी तौर पर, तो एक रिटायर पर्सन जो है ना वो यही सोचता है कि रिटायरमेंट के मौके पर चलो कुछ पैसे हासिल हो जाएंगे लमसम, जिसकी वजह से मैं जो मेरे जिम्मेदारियां हैं वो मैं उनसे ओहदा बरा हो सकूंगा या सबकदोश हो जाऊंगा। लेकिन फौरी तौर पर अगर उसको पैसों की ज़रूरत ना हो और इनके बग़ैर उसका गुजारा हो सकता हो, तो फिर उसको तरजीह देनी चाहिए कि वो फुल पेंशन ले, और 4,45,000, 5 लाख, 8-10 लाख जितना भी बनता है वो अगर छोड़ दे, तो उसकी बजाय उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये केस है एक मुलाजिम का, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि डेट ऑफ बर्थ है उसकी, ये रिटायर हुआ है 1/8/2009 को, 60 साल की उम्र पर डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1/8/1949, और 1/8/2009 को ये रिटायर हो गया है। और लेंथ ऑफ सर्विस थी इसकी 33 साल, 33 ईयर्स, और बेसिक पे इसकी BS-11 में थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 1/8/2009 को 12,365 रुपये,
और इसकी पेंशन जो है ना, ये अगर 35% कम्यूट करा ले तो फिर इसकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन होगी 1/8/2021 को, यानी इसकी इस डेट को पेंशन डबल हो जाएगी, जिसे दूसरे अल्फाज में कहा जाता है। तो इसकी अगर पेंशन कैलकुलेट की जाए तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि ग्रास पेंशन इसकी है 8,655.50 रुपये, और इसकी ऑर्डनरी पेंशन बनी है 5,626.65%, यानी जो ये पेंशन की सूरत में लेगा, माहाना पेंशन की सूरत में 5,626 रुपये में मज़ीद इजाफे भी लगेंगे, और फिर जाकर देखेंगे कि इसकी मंथली पेंशन कितनी बनती है। लेकिन 65% जो ग्रास पेंशन का बनी है वो है 5,626 रुपये, और 35% जो बनी है वो है 3,029 रुपये। अब अगर ये 3,029 रुपये 35% जो है ये गवर्नमेंट को फरोख्त कर दे और इसके बदले में एक लमसम अमाउंट ले ले, यानी पेंशन अपनी कम्यूट करवा ले, तो इसकी कम्यूटेशन बनेगी 4,49,757 रुपये, यानी 4.5 लाख के करीब ये इसकी ग्रेजुएटी बनेगी, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन बनेगी। और 5,626 विदाउट मेडिकल अलाउंसेस ये इसकी पेंशन होगी, लेकिन ये हतमी पेंशन नहीं है, इसमें मज़ीद इजाफे होंगे। और देखते हैं कि 1/8/2009 को इसकी मंथली पेंशन, मंथली टेक होम पेंशन इसकी कितनी बनेगी, तो वो एक्सेल शीट में हम देखते हैं। मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखी हुई है ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो, तो वहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ग्रेजुएटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और दोनों सूरतों में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। जी नाजरीन, अगर ये मुलाजिम फुल पेंशन ले 8,656 रुपये, तो इसको ये 2005, 2006 और 2009 के इजाफे इसको एडमिसिबल होंगे, और ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये अगर फुल पेंशन ले, ग्रेजुएटी छोड़ दे, तो इसकी पेंशन बनेगी 12,593 रुपये, और अगर ये 65% पेंशन ले और 35% कम्यूट करा ले, यानी 4.5 लाख ले ले, तो इसकी पेंशन बननी है 1/8/2009 को जो इसने पेंशन ली वो है 8,185 रुपये मंथली, और 4.5 लाख के करीब इसकी ग्रेजुएटी, यानी 8,185 इसकी पेंशन और 4.5 लाख की ग्रेजुएटी। अगर 4.5 लाख छोड़ दे तो फिर इसकी पेंशन मंथली बनेगी 12,593, और इसकी पेंशन जाकर बहाल होगी 1/8/2021 को। तो आइए देखते हैं कि इस 12 साल के अरसे में ये इसको क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो पहला है 1/7/2005 का इसको इंक्रीज जो है ना वो एडमिसिबल है। तो अगर ये फुल पेंशन ले तो इसकी पेंशन 1/7/2005 को हो जाएगी 9,522 रुपये, और अगर ये 65% नेट पेंशन ले ग्रेजुएटी के साथ तो फिर बनेगी 6,189, और जो डिफरेंस है वो बना है 3,333 रुपये। यानी अगर ये फुल पेंशन ले, जबकि इसने ऑप्ट की है, अख्तियार की है कि मैं 65% पेंशन लूंगा और 35% कम्यूट करवाऊंगा, तो इस सूरत में ये इसने लेस पेंशन ली है 3,333 रुपये। यानी अगर वो फुल पेंशन लेता तो फिर बनती 9,522 रुपये, जबकि उसने ली है 6,189 रुपये, तो 3,333 रुपये डिफरेंस आ गया एक महीने का। तो ये अरसा बनता है 1/7/2005 से लेकर, नेक्स्ट इजाफा हुआ है 1/7/2006 को, यानी 1/7/2005 से लेकर 30/6/2006 तक 12 महीने बनते हैं। 3,033 को 12 से ज़रब दी तो ये बना 39,996 रुपये। इसी तरह 1/7/2006 को मज़ीद 15% का इजाफा हो गया, और अगर ये फुल पेंशन लेता तो फिर इतनी बन जाती 10,950 रुपये, लेकिन इसकी बजाय अब इसकी बनी है 7,117 रुपये, चूँकि इसने नेट पेंशन लेना अख्तियार किया है ग्रेजुएटी के साथ पेंशन अपनी कम्यूट करवाने के बाद। तो फिर डिफरेंस मज़ीद बढ़ गया
3,833 रुपए डिफरेंस एक महीने का, और 12 से ज़रब दी तो ये 45,996 रुपए। तो इसी तरह ये कैलकुलेशन अगर करते जाएं तो अब जो पेंशन ये ले रहा है, यानी जब एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन इसकी पेंशन जो ले रहा है विदाउट मेडिकल अलाउंसेस, ये ले रहा है तमाम इजाफे लगने के बाद 2010, 11, 12, 13, 14 जितने भी इजाफे लगते आए हैं ये एडमिजिबल हैं और इसको अलाउड हैं, तो ये इसकी पेंशन में शामिल होते गए। तो ये इसकी पेंशन बनी 27,214 रुपए, ये ले रहा है इस वक्त विदाउट मेडिकल अलाउंस। और अगर ये पेंशन ग्रेजुएटी न लेता और पेंशन कम्यूट न करवाता तो फिर ले रहा होता इस वक्त 41,868 रुपए। तो ये सारे डिफरेंस आए हैं इसमें, तो इनको सबको जमा जो किया जाए 39,996, यानी 2005 में लेस लिए हैं, 2006 में इतने लेस लिए, 2007 में इतने कम पेंशन ली इसने सालाना, तो ये सारी कैलकुलेशन अगर की जाए तो ये बनती है तकरीबन 14,80,634 रुपए ये इसने कम पेंशन ली है। अगर इसकी बजाय ये फुल पेंशन लेता तो ये पेंशन वो ले लेता, लेकिन अब उसने 4,49,000 कम्यूट करवाने के बाद इतना लॉस गवारा किया है 14,80,634 रुपए इन 12 सालों के दौरान इसको कम अमाउंट मिली है, जो कि वो ले सकता था अगर वो अख्तियार करता फुल पेंशन लेना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये सूरत हाल होती। अब 27,214 रुपए इसकी पेंशन बहाल होगी 35% जो इसने कम्यूट करवाई थी, तो अब ये पेंशन जाकर भी इतनी ही बनेगी, यानी बहाल होने के बाद 41,868 रुपए बनेगी, जबकि वो ले रहा था 27,214 रुपए। अगर वो इसकी बजाय फुल लेता तो इतने अरसे में ये तमाम अमाउंट ये लेता रहता मंथली पेंशन, लेकिन उसने 65% पेंशन ली और 35% कम्यूट करवाई तो फिर ये पेंशन उसने ली और इतनी अमाउंट ये लेस लेता रहा इस अरसे के दौरान। और इस सारी अमाउंट को अगर जमा किया जाए तो 14,80,634 रुपए इसने लेस अमाउंट ली, लेस पेंशन ड्रॉन की कम्यूट करवाने की सूरत में। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ ओवरव्यू मिल गया होगा, कुछ समझ आ गई होगी। तो किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।